वेलकम टू दी गर्ल्स पावर पूजा और दोस्तों मैं पूजा। सो ये दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 52 वीक मनी सेविंग चैलेंज। हे गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे खर्चे बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन हमारी इनकम उतनी की उतनी ही है। उसके साथ गाइस महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आजकल अगर आप सब्जी लेने 500 के नोट लेकर के जाते हो तो उसमें से ज़्यादा 50 या 100 ही रुपये वापस आते हैं। मतलब अगर आप सोचते हो बचाने के लिए तब, वरना 500 रुपये में भी बहुत ज़्यादा सब्जी नहीं दिखती है। और पहले के टाइम में था 100-200 रुपये के आराम से पूरा थैला भर जाता था। तो आजकल बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, चाहे ग्रॉसरी हो, वेजिटेबल्स हो, आपका फ्रूट हो, या फिर घर की कोई भी आइटम हो, कुछ भी आप लेते हो, कर्टन वगैरह, सोफा, अलमीरा वगैरह, कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करते हो, बच्चों की फीस वगैरह हो गई, कार वगैरह हो गई, बाइक, एक्टिवा, कुछ भी अगर आप परचेज करते हो, तो बहुत ही ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है और प्राइस आजकल डबल डबल हो गए हैं। अगर आप सोचते हो थोड़ा कम बजट में लें हम, तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। सो ही गाइज, आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी 52 वीक मनी सेविंग चैलेंज के बारे में, जिसमें आप आसानी से कुछ पैसे हर हफ्ते बचा करके काफ़ी अच्छा अमाउंट सेव कर सकते हो। और सेविंग किए गए पैसों को आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, कुछ भी अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं, कुछ भी आप परचेज कर सकते हैं। जैसा कि अब दिवाली आने वाली है, नवंबर में है, नेक्स्ट ईयर दिवाली के लिए प्लान कर सकते हो कि हाँ मुझे नेक्स्ट ईयर ये लेना है, या फिर नेक्स्ट हमें ईयर ये करना है, कहीं घूमना है, कुछ भी, मतलब आपका जो भी ड्रीम है आप से पूरा कर सकते हो। तो गाइज, इसके लिए आप सेविंग कर सकते हो, आप RDFT वगैरह करवा सकते हो, लेकिन उसमें क्या होता है, फिक्स अमाउंट आपका बैंक में जाता रहेगा। लेकिन जो मनी सेविंग चैलेंज है, इसमें आपका एक क्या होता है कि हाँ हमारी सैलरी आते ही हमें इतना पैसा इसमें डालना, या फिर मंथ के एंड में जितना पैसा हमारा बच गया है उसको हम मनी सेविंग चैलेंज में डालेंगे। चैलेंज आप वीकली कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो। तो गाइज, आज की इस वीडियो में आपके लिए 52 वीक का लेकर के आई हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक बात और बता दूँ कि सेविंग करना आपके ऊपर है, ना कि किसी और के ऊपर है कि भाई मेरी सैलरी इंक्रीज होगी तब हम करेंगे, किसी को देख करके, या फिर सोचो कि हाँ इतने बात इतना कर लेंगे, इतने टाइम बात कर लेंगे, या फिर थोड़ा और खर्च कर लूँ, 1-2 साल बार कर लेंगे। नहीं, सही समय अभी है, इसी वक्त है, तो अभी से आप सेविंग करना शुरू कर सकते हैं। सो ही गाइस, मनी सेविंग चैलेंज करने के लिए आपको पेन और डायरी की हेल्प लेनी है। मैं ज़्यादातर पेन और डायरी की हेल्प से ही सारी मनी सेविंग चैलेंज करती हूँ और अपने पैसों को सेव करती हूँ। सो गाइस, चलिए देखते हैं वीडियो कैसे आपको ऐड करना है पैसे, कितना ऐड करना है, साथ ही साथ कहाँ तक आपको ऐड करना है। सो ही गाइस, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर नोट डाउन करके रख लिया है 52 वीक मनी सेविंग चैलेंज। और यहाँ पर मैंने देखो 52 वीक तक किया है, देख सकते हो कुछ इस तरीके से 12 इधर है, 12 + 12 24 हो गया, 36 हो गया, 48 हो गया, उसके बाद 49, 50, 51, 52, मतलब कि 12 + 12 24, 36, उसके साथ 48, फिर 4, 52 वीक कर लिए हमने, ड्रॉ कर लिया है। सबसे पहले फर्स्ट वीक में हम डालेंगे यहाँ पर 1500 रुपी। सो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर पैसे भी अभी ड्रॉ कर लिए हैं ATM से। सो ये कुछ वैसे वाले अमाउंट है जो मैं सेव करके रखती हूँ, या फिर जिनको RD के द्वारा मैं इकट्ठा करती हूँ, वो वाले पैसे हैं ये। सो मैं इनको मनी सेविंग चैलेंज में डालती हूँ। मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ इतना अमाउंट लेकर के बैठी हूँ, बट वैसे मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि जो हमारा मंथ के इन में पैसा बचता है मैं उसी से इन सारे चैलेंज को पूरा करूँ। और गाइज, मैं यूट्यूबर हूँ तो मेरा काम है मनी सेविंग चैलेंज आप तक पहुँचाना, बिकॉज आप लोगों को बहुत पसंद आती है, तो इसलिए बहुत सारे चैलेंज आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ। लेकिन सारे चैलेंज को मैं अपने ऊपर नहीं अप्लाई करती हूँ, इनमें से बहुत सारे ऐसे चैलेंज हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं, उन्हीं चैलेंजों को मैं फॉलो करती हूँ। तो नेक्स्ट मंथ में मेरा एक चैलेंज पूरा होने वाला है, उसके साथ उसके अगले महीने में दूसरा चैलेंज भी पूरा हो जाएगा, तो आपको बताऊँगी मैं कितना मैंने सेव किया। वैसे ही अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि मैंने 1 ईयर 1 लाख मनी सेविंग टारगेट रखा था, तो वो भी पूरा होने वाला है। उसका भी मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे, कितना, किस सी सेविंग से मैंने उसको पूरा किया है। इमरजेंसी चैलेंज अपने आपको कौन कौन से दिए हैं, मनी सेविंग चैलेंज कौन कौन से दिए हैं, साथ ही इमरजेंसी फंड उसमें कितना मिला करके मेरा 1 ईयर का 1 लाख टारगेट फुल हुआ है। तो फर्स्ट है 1500 रुपीज़, तो यहाँ से हम 1500 लेकर के अपने वॉलेट में या फिर कहीं पे भी रख सकते हो आप। उसके साथ सेकंड है 1400, फिर थर्ड वीक है 1300, 1200, 1100, 1000, मतलब यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से देख सकते हो आप, नीचे की साइड आना, मतलब 1500 माइनस 100 1400, फिर 1300, 1200, 1100, 1000। उसके बाद फिर हमें 7 वीक से 1500, 1400, 1300, 1200, 1100, 1000, ठीक है। 12 वीक तक हमें इस प्रोसेस को रेगुलर करना है, 15 से लेकर के 1000 तक, फिर 15 से लेकर 1000 तक। और उसके बाद हम हाँ फिर से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा 13 वाला बिक रहेगा वहाँ पे 1000, 1200, 1400, मतलब यहाँ पर 200 हम प्लस करने वाले हैं, फिर 1600, फिर हमने यहाँ पर 1000 कर लिया है,
11, 12, 13, 14, 15, फिर 14, 13, 12, 11, 1000, फिर 15, 1100, 1200, 13, 14, 15 एंड 1600। मतलब हमारा जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट होगा वो 1600 का होगा। उसके साथ 1000, 1100, 1000, 1100, 1200, 1300, 14, 15, 16, 15, 14, 13, 1200, 1100, साथ ही 1500, 1400, 1300 एंड लास्ट जो 52 वीक होगा उसमें 1500 हमें ऐड करना है। गाइज एक वीक में ऐड करने के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, आप एक महीने का कोई सा भी इसमें अमाउंट लिख सकते हो। जैसे एक महीने में 4 वीक है तो गाइज आपको 1 मंथ में 4 to 5000 लग जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 4000 हो गया, साथ ही 5000, 400 रुपीज़ आपका एक मंथ में लगने वाला है। तो आपको 5 to 6000 1 महीने निकाल करके रखना है अपनी सैलरी से। आप इसे मंथ के एंड में भी भर सकते हैं। ज़रूरी नहीं यार कि आप हर महीने 4 ही फुल करें, एक महीने में एक भी आप फिल कर सकते हैं, एक हफ्ते में 2 फिल कर सकते हैं। जैसा आपके पास पैसा हो, जैसा आपके पास अमाउंट होना है, मतलब जैसा आपके पास हो सेविंग, उसी हिसाब से आप इनको फिल करें। सो कुछ इस तरीके से आप इन सारे पैसों को ऐड करके अमाउंट आप क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा पैसा आप सेव कर लेंगे। साथ ही सेविंग किए गए पैसों को जरूर आप FD में या फिर गोल्ड वगैरह में जरूर इन्वेस्ट करें। और हाँ, गोल्ड में आपको गोल्ड की ज्वेलरी नहीं लेनी है, बिस्किट लेना है गोल्ड में, जिससे कि उसमें मेकिंग चार्ज नहीं लगता है, तो आपका वो भी बच जाएगा। साथ ही साथ जब आपको कोई ज्वेलरी वगैरह बनानी, सिर्फ आपको मेकिंग चार्ज देना है, गोल्ड आपके पास आराम से रहेगा ही रहेगा। सो कुछ इस तरीके से एक बार हम फिर से नज़र दौड़ाते हैं। 1500, 1400, 1300, 1200, 1100, 1000, फिर 1500, 1400, 1300, 1200, 1100, 1000। मतलब यहाँ तक हमें ऐसे करना है। फिर 1100, 1200, 1600, 1600, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, फिर 1400, 1300, फिर 1200, 1100, 1000, 1500, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1000, 1100, फिर 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1500, फिर 14, 13, 12, 11, फिर 15, 14, 13, 15। मतलब लास्ट वाले वीक में आपको 1500 ही ऐड करने हैं। सो गाइज कुछ इस तरीके से वीडियो होपफुली आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, और उम्मीद करती हूँ कि 52 वीक मनी सेविंग चैलेंज आपके समझ में आ गया होगा और आप लोग पैसे सेव कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच गाइज। कुछ इस तरीके से थी मेरी आज की वीडियो, 52 वीक मनी सेविंग चैलेंज। गाइज आप बचाए गए पैसों की एक FD जरूर करवाएं कि हाँ, एक साल मेरा पूरा हो चुका है, हम इन पैसों का एक FD करवा देते हैं, मतलब फिक्स डिपॉजिट। तो इससे क्या होता है, हमारे पैसे पर थोड़ा सा हमें इंटरेस्ट भी मिल जाता है। उसके साथ साथ अगर आपका ड्रीम नहीं है कोई सभी के, हाँ हमने मनी सेविंग कर लिया है, फिर चैलेंज द्वारा हमने मनी इकट्ठा कर लिया है, तो मैं इसको इधर उधर खर्च कर दूं, ये भी फिजूल खर्ची भी आपको नहीं करनी है। अगर आपका कोई ड्रीम नहीं है कि मुझे ये लेना वो लेना है, तो आप उसको आराम से FD में कन्वर्ट करवा दो। 5 साल 10 साल के लिए FD होती है, 1 साल के लिए भी होती है, तो आपको अच्छा अमाउंट उसमें मिल जाएगा। उसके साथ साथ गाइज बचाए गए पैसों को आपको कपड़े में या फिर अपना जो ऐसो आराम की चीज़ें उसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना। देखो जैसे कि आपने थोड़ा छोटा कटौती करके आपने सेविंग की है, मतलब मनी सेविंग चैलेंज से, उसके बाद जैसे ही सेल स्टार्ट हुई आपने बहुत सारे कपड़े खरीद लिए, ये सही बात नहीं है। ना ही आपको कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदनी। अगर आप इन्वेस्ट ही करना चाहते हैं अपने पैसों को, गोल्ड में, सिल्वर में, डायमंड वगैरह में आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करें, जिससे कि आपको प्रॉफिट यार अच्छा मिले। से अगर आप कोई गोल्ड ले लेते हो, आजकल का जो प्राइस है 60+ है ना, 60,000+ है पर 10 ग्राम, तो अगर पहले के टाइम में जब 30,000 में सोना था, मतलब 30,000 में जब सोना था, तब अगर आपने कुछ लिया होगा तो आज उसका प्राइस डबल हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे आने वाले टाइम में गोल्ड की प्राइस अप होती ही जाएगी। जैसे गोल्ड हो गया, प्रॉपर्टी वगैरह हो गई, तो इनकी प्राइस हमेशा बढ़ती ही रहती है, कभी भी माइनस नहीं होती है। हाँ 100-200 रुपये, 500 रुपये घट जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन कि जैसे अगर पहले टाइम में 30 था, तो अब 30 तो नहीं हो पाएगा ना, अब तो 60,000 में चल रहा है हमारा। आई थिंक आने वाले समय में 62-62 हो जाएगा या फिर 65 हो जाएगा, कोई पता नहीं है। तो आप अपने पैसों को गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकती हैं, कर सकते हैं, या फिर FD करवा सकते हैं, या फिर कहीं ऐसी जगह आप उन पैसों को इन्वेस्ट करो जहाँ से आपको लगे कि हाँ मुझे प्रॉफिट है, मुझे इसमें से थोड़ा इंटरेस्ट मिलेगा, थोड़ा रिटर्न आएगा मेरा पैसा, और मेरा पैसा भी बचा रहेगा। सो हे गाइज कुछ इस तरीके से मेरी आज की वीडियो, होपफुली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है, कुछ पे वगैरह नहीं करना पड़ता है। साथ ही अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। साथ ही गाइस हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बने, बेल आइकन को भी हिट करें, आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप लोग सबसे पहले उन्हें देख पाए। थैंक यू सो मच एंड मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग इंटरेस्टिंग मनी सेविंग टॉपिक के साथ। अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।